अयोध्यारे नुआ इतिहास प्रथम थर पाई कैबिनेट बैठक जोगींक बड़ा निष्पत्ति 14 प्रस्ताव उपरे मोहर गठित हेला अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद हजारे वर्ष परे फेरिला गौरव उत्सव मुखरित अयोध्या दीपोत्सव पाई चलचंचल रामलालांक जन्मभूमि एहा सहित उत्तर प्रदेश इतिहास रे एक नूतन अध्याय जोड़ा होईची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अध्यक्षता रे अयोध्या रे प्रथम थर पाई कैबिनेट बैठक अनुष्ठित होईची। एही बैठक रे एक बड़ा निष्पत्ति रे 14 प्रस्ताव को मंजूर मिलची। कैबिनेट में कुल 14 प्रस्ताव आए। इन 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों में जो प्रस्ताव थे, सबसे पहला प्रस्ताव था उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन, यानी उत्तर प्रदेश अंतरदेशीय राजमार्ग प्राधिकरण के गठन का एक प्रस्ताव है। यही प्रस्ताव रे अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद गठन को अनुमोदन अयोध्यार माजा जामथरा ग्रामरे 25 एकर जमीरे भारतीय मंदिर स्थापत्य संग्रहालय प्रतिष्ठा प्रस्ताव को अनुमोदन सबुठारु गुरुत्वपूर्ण रहिछि। अयोध्यार प्रथम कैबिनेट बैठक रे रामनगरीर विकास पई अनेक प्रस्ताव अनुमोदन करा जाइछि। विश्व मानचित्र रे अयोध्या को एक नूतन परिचय देबा पई निरंतर प्रयास करा जाउछि बोली कहिछंती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का भी एक तमन्ना है और इस पर तेजी के साथ कार्य भी प्रारंभ हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से यहां से जाकर के हम लोगों ने सबसे पहले श्री हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। हनुमानगढ़ी के दर्शन के उपरांत श्री राम जन्मभूमि दर्शन का सामूहिक रूप से सौभाग्य पूरे मंत्री कैबिनेट को प्राप्त हुआ। अयोध्या एक नए युग की ओर जा रही है। पूरी दुनिया आज अयोध्या की तरफ आकर्षित हो रही है। लगभग 1000 साल के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने हमारा प्राइड लौटाला और आज अयोध्या जो है वो विश्व का एक सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है। कई पर्यटन से संबंधित प्रस्ताव आज कैबिनेट के सामने आ रहे हैं और हर तरीके की धार्मिक आस्था तो है ही, लेकिन हमारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा आज निर्णय होने जा रहा है। गुरुवार सकाळे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एवं मंत्रिमंडल सदस्य मने अयोध्यार रामकथा पार्क ठारे पहुंचिथिले। बैठक पूर्वरु जोगींक समेत पूरा मंत्रिमंडल हनुमानगढ़ी मंदिर रे पूजा अर्चना करथिले। एहा परे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ श्री राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स परिदर्शन करी श्री रामलला विराजमान मंदिर रे मध्य प्रार्थना करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।